10 नवंबर को रूस की एंट्री के बाद अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच छिड़ी जंग पर ब्रेक लगा। अब व्लादिमीर पुतिन खुद नागोर्नो काराबाग के वॉर जोन पर नजर बनाए हुए हैं। पुतिन की सेना इस वॉर जोन में गश्त लगा रही है, लेकिन वॉर जोन से जो वीडियो सामने आया है वो हैरान करने वाला है। नागोर्नो काराबाग में बारूद का शोर तो सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन जमीन के अंदर इतनी बड़ी तादाद में बारूद बिछा है कि पुतिन भी आश्चर्य में है। सितंबर के आखिरी महीने से दो देशों के बीच ऐसी जंग छिड़ी जिसने वर्ल्ड वॉर के सोए हुए जिन को जगा दिया। महीनों तक नागोर्नो काराबाग में आर्मेनिया और अजरबैजान की सेना एक दूसरे का खून बहाती रही, मिसाइलें बरसाती रही, तोप के गोले दागती रही। मामला आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने मोर्चा संभाला। ये पुतिन के कद का असर था कि दोनों देश 10 नवंबर रात 12 बजे से सीज फायर को राजी हो गए। युद्ध विराम के समझौते की निगरानी के लिए पुतिन ने अपनी सेना को जिम्मेदारी दी। आज नागोर्नो काराबाग की जमीन के ऊपर शांति है, लेकिन जमीन के अंदर बारूद की चादर बिछी हुई है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी करके नागोर्नो काराबाग की बारूदी हकीकत दिखाई। इस वॉर जोन में शांति सैनिकों को जगह जगह लैंडमाइंस मिल रहे हैं, जमीन के अंदर विध्वंस के सामान मिल रहे हैं। ये सारे लैंडमाइंस आर्मेनियाई सेना ने बिछाए थे, जिनका पता लगाने और उन्हें डिफ्यूज करने में पुतिन के 2000 सैनिक इस वॉर जोन की खाक छान रहे हैं। रूस की सेना इस मुश्किल काम में ट्रेंड स्टॉक की भी मदद ले रही है। सबसे ज्यादा लैंडमाइंस तो लाचिन इलाके में हैं। यहाँ पर हर 50 मीटर के रेडियस में लैंडमाइंस का जाल बिछा हुआ है। रूस की सेना बेहद ही प्रोफेशनल और हाईटेक है, लेकिन नागोर्नो काराबाग से बारूद को साफ करने में पुतिन की सेना को भी पसीना आ जा रहा है। नागोर्नो काराबाग हफ्तों तक वर्ल्ड वॉर का एपिसेंटर बना था, कभी भी यहाँ से विश्व युद्ध का डंका बज सकता था, लेकिन मॉस्को की समझदारी से दो देश विनाश की लपटों में खाक होने से पहले बच गए थे। अब काराबाग को पहले जैसा शांत बनाने का प्रयास भी शुरू कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।